Introducing OnePlus Z, India's most awaiting affordable smartphone. OnePlus Z, OnePlus Nord, OnePlus 8 Lite. तो क्या होगा इस फोन का नाम? दोस्तों, इस फोन का नाम कंफर्म हो या नहीं, लेकिन यहाँ पर एक बात कंफर्म हो जाती है कि ये फोन आपको OnePlus की ब्रांडिंग के साथ देखने को मिलेगा। साथ में ये फोन OnePlus का एक अफोर्डेबल मिड रेंज कैटेगरी का धमाकेदार स्मार्टफोन होने वाला है, जिसमें आपको काफी अमेजिंग स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, OnePlus Z OnePlus का एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसकी हाइप काफ़ी ज़्यादा क्रिएट की जा रही है और काफ़ी सारे लोगों को इस फ़ोन का इंतज़ार है, क्योंकि दोस्तों ये OnePlus का एक मिड रेंज कैटेगरी का स्मार्टफोन होने वाला है, जिसमें आपको काफ़ी कमाल के स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, कल यानी कि 30 जुलाई को OnePlus की तरफ से एक बिग अनाउंसमेंट होने वाली है OnePlus Z को लेकर, जहाँ पर इस फ़ोन का नाम या फिर इस फ़ोन की लॉन्च डेट कन्फर्म हो सकती है। और दोस्तों, अगर बात करूं फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो इस फ़ोन के ऑलमोस्ट सारे स्पेसिफिकेशन कंफर्म हो चुके हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर बात करूं फ़ोन की डिस्प्ले के बारे में, तो फ़ोन में आपको मिलेगी 6.5 इंचेस की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड 90 हर्ट्ज की डुअल पंच होल डिस्प्ले, जिस पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलेगी। तो इस फ़ोन में आपको सिंगल पंच होल डिस्प्ले नहीं मिलेगी, आपको डुअल पंच होल सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी। तो डिस्प्ले की क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन के कैमरा के बारे में। दोस्तों, फ़ोन की फ्रंट साइड में आपको डुअल पंच होल सेल्फी कैमरा मिलेगा, जहां पर आपको प्राइमरी कैमरा मिलेगा 32 मेगापिक्सल का, और दूसरा कैमरा आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। दोस्तों, रियर कैमरा की बात करें, तो यहाँ पर ये बात कंफर्म हो चुकी है कि फ़ोन की बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, लेकिन प्राइमरी कैमरा आपको 64 मेगापिक्सल का भी फ़ोन में मिल सकता है और 48 मेगापिक्सल का भी मिल सकता है, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। और बाकी आपको रियर साइड पे एक टेलीफोटो लेंस, एक वाइड एंगल लेंस और एक डेप्थ सेंसर लेंस भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन की परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों, फ़ोन में आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G का ऑक्टाकोर प्रोसेसर, जो कि एक काफ़ी पावरफुल और 5G प्रोसेसर है। तो इस फ़ोन की परफॉर्मेंस आपको काफ़ी लाजवाब देखने को मिलेगी। तो इस फ़ोन में आप गेमिंग आराम से कर पाएंगे, आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन की बैटरी के बारे में। दोस्तों, फ़ोन में आपको मिलेगी 4300 mAh की बैटरी, जिसके साथ आपको 30W की वार्प चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में, जो कि है इसकी प्राइस। दोस्तों, इस फ़ोन की स्टार्टिंग प्राइस यानी कि बेस वेरिएंट की प्राइस 6GB 128GB वाले वेरिएंट की प्राइस आपको लगभग इंडिया में 25,000 रुपये के अंदर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन अगर 25,000 रुपये से कम की प्राइस में लॉन्च होता है इंडिया में, तो ये स्मार्टफोन एक किलर स्मार्टफोन होने वाला है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।